धनबाद के किसानों के लिए खुशखबरी, 100% सब्सिडी में दिया जा रहा है बीज। सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ाने, किसानों के आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए समय समय पर उचित कदम उठाती रही है, परंतु किसानों को इसकी जानकारी देर से होती है, जिससे इसका लाभ वो 100% नहीं ले पाते हैं। इस वर्ष भी रबी फसल में सरसों, चना आदि का बीज 100% सब्सिडी में दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पंपिंग सेट से लेकर जितने औजार उपयोग होते हैं कृषि क्षेत्र में, वो सब्सिडी में उपलब्ध कराया जा रहा है। वह 90% तक सब्सिडी में दिया जा रहा है। किसानों को इसकी जानकारी मिले, इसके लिए मैंने आय पदाधिकारियों से सीधा पूछा कि इसके लिए किस चीज़ की जरूरत होगी और कितना उन्हें सब्सिडी मिलेगा। ये योजना अभी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में भी जाकर किसान भाई ले सकते हैं। सुनिए पदाधिकारी ने क्या कहा। हमारे पास अभी मिनी किट आया हुआ है सरसों और मसूर के लिए, जो 100% सब्सिडी में दिया जाएगा, और उसके लिए हम लोग को किसानों का चयन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू से करना है, जो ब्लॉक वाइज हम लोग को चयनित करना है किसानों को, और उसमें हम लोग पूरी तरह 100% सब्सिडी में चना और सरसों का बीज उपलब्ध कराएंगे। और पीएम केएसवाई का एक योजना है, जिसमें हम लोग 90% सब्सिडी में किसानों को स्प्रिंकलर और टपक सिंचाई की जो पंप सेट है, और वो उपलब्ध कराएंगे। और इसके अलावा जो हम लोग का केसीसी का है, वो हम लोग का एसबीआई में 100% किया गया है, 100 फॉर्म उसका पूरी तरह से संचालित कर लिया गया है, लेकिन बाकी किसी भी ब्लॉक से या फिर कोई भी बैंक से अभी तक कोई ये मिला नहीं है, तो इसीलिए अभी हम लोग का एसबीआई देवली में 100% केसीसी वितरित हो चुका है। सबसे लघु और सीमांत किसान और महिलाओं को 33% महिलाओं को हम लोग को प्रायोरिटाइज करना है, और जो लघु और सीमांत किसान है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उनको